जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गंगा सप्तमी की कथा, पूजा, मंत्र, महत्व, शुभ मुहूर्त के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि गंगा सप्तमी एक्चुअल में है क्या। दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों की माने तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा मैया जो है स्वर्ग लोक से शिव जी की जटाओं में पहुंची थी। उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी और इसी ही तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये सवाल उठता है कि फिर गंगा दशहरा क्या है। दोस्तों, गंगा दशहरे के दिन गंगा जी का पृथ्वी पर, हमारी धरती पर अवतरण हुआ था, जिसे कि हम गंगा दशहरे के नाम से जानते हैं। और ये गंगा दशहरा जो होता है वो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है और इस वर्ष यानी कि 2020 में 1 जून को आएगा गंगा दशहरा। दोस्तों, गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा दोनों ही दिन गंगा जी की विशेष पूजा करने का विधान है। कि गंगा सप्तमी के अवसर पर गंगा मैया में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। और इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। शास्त्रों की माने तो जीवन दायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलिला नर्मदा के दर्शन, मोक्ष दायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी गंगा मैया के पुनर्जन्म का दिन है, इसीलिए इसे कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाते हैं। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है। लेकिन दोस्तों, अभी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में घर से बाहर जाना और गंगा स्नान करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में हमें किस तरह से स्नान करना है, किस तरह से दान पुण्य इत्यादि पूजन कर्म करना है, साथ ही हम सुनेंगे कथा और पूजन का सही मुहूर्त। लेकिन साथ ही इसके पहले दोस्तों, एक चीज आप जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी गंगा स्नान किया है। अगर किया है तो कौन से स्थान पे गंगा स्नान किया, और कमेंट करके जरूर से बताएं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमें स्नान दान इत्यादि जो काम है वो किस तरह से करना है। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि गंगा जी में स्नान करना इस बार संभव नहीं है। तो हमने क्या करना है, घर के जल में ही गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर फिर स्नान कर लेना है। दोस्तों, लेकिन एक नियम होता है कि अगर आप पानी में गंगा जल डालते हैं तो वो पानी रहता है, लेकिन अगर आप पहले बाल्टी में गंगा जल डालते हैं और फिर उसमें पानी मिक्स कर दें तो पूरा का पूरा जल जो है वो गंगा जल बन जाता है। इसलिए पानी में गंगा जल की बूंदे डालने की बजाय गंगा जल में आप पानी मिलाएं वो ज़्यादा उचित माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में गंगा मैया की तस्वीर प्रतिमा हो तो इस दिन आपने पूजा अर्चना जो है मूर्ति की या तस्वीर की स्थापना करके फिर ही करनी चाहिए। इसके साथ ही इस दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा जो है आपने जरूर से करनी चाहिए। इसके अलावा गंगा को अपने तप से पृथ्वी पर लाने वाले भगीरथ की पूजा भी आपने जरूर से करनी चाहिए। और इसके साथ ही दान पुण्य जो है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार आपने करना चाहिए। इसके लिए आप जो चीज़ें दान करना चाहते हैं, जितने रुपए की आप दान करना चाहते हैं उनको आप साइड में रख दें और ये जो है स्थितियां नॉर्मल होने के बाद ही आप उन चीज़ों का दान करें। और अगर आप किसी भी एनजीओ से जुड़े हुए और भोजन सामग्री की व्यवस्था करते हैं तो आप उन पैसों का इस्तेमाल उस कार्य के लिए भी कर सकते हैं। लॉकडाउन में भूखे लोगों को अगर आप भोजन की व्यवस्था करते हैं तो दोस्तों ये भी बहुत ही पुण्य फलदायी काम है, आप वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, लेकिन गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करती है। गंगा नदी हिंदू की आस्था का केंद्र माना गया और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा का महत्व बहुत ही विस्तार से किया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ सुना रही हूँ गंगा जी के धरती पर आगमन की कथा, राजा भगीरथ की कथा। चलिए सुन लेते हैं गंगा जी के धरती पर आगमन की कथा, राजा भगीरथ की कथा। राजा भगीरथ बहुत ही प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों के जीवन मरण के दोष को मुक्त करने के लिए गंगा जी को धरती पर लाने की ठानी और इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। कई सालों तक उन्होंने तपस्या की, तब उसके बाद में गंगा जी जो प्रसन्न हुई और दर्शन दिए, तब राजा भगीरथ ने वरदान मांगा कि वो चाहते हैं कि गंगा जी जो धरती पर
अब प्रकट हों या अवतरित हों, तो गंगा जी ने तथास्तु कहा और स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। पर उन्होंने भगीरथ से कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग जो है वो सहन नहीं कर पाएंगी, रसातल में चली जाएंगी। ये सुनकर राजा भगीरथ सोच में पड़ गए। एक्चुअली गंगा जी को ये अभिमान था कि कोई उनका वेग जो है वो सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने जो है राजा भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी और संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु शीघ्र प्रसन्न होते ही हैं, भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राजा भगीरथ की तपस्या से वो प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भगीरथ ने अपना सारा मनोरथ कह सुनाया। तब जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने के लिए गंगा का गर्व दूर करने के लिए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। वो छटपटाने लगी और शिव जी से माफी मांगी। तब शिव ने उसी जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहां से गंगा सात धाराओं में प्रवाहित हुई। इस प्रकार राजा भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्णन करके भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत किया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान प्रदान करती है और मुक्ति भी देती है। तो गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए उनका एक बहुत ही पवित्र मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा। दोस्तों गंगा दशहरा और गंगा सप्तमी के दिन इस मंत्र की कम से कम एक माला का जप जो है वो जरूर से करना चाहिए, लेकिन जो जप है वो बहुत ही शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। गंगा सप्तमी दोस्तों 30 अप्रैल गुरुवार के दिन है, लेकिन जो सप्तमी तिथि है वो बुधवार के दिन से शुरू हो जाएगी। दोपहर में 3:12 से सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और गंगा सप्तमी जो है उसका शुभ मुहूर्त मध्यान्ह के समय में यानी कि 30 अप्रैल गुरुवार को सुबह 10:59 से लेकर दोपहर में 1:38 तक है। तो इसी बीच में आपने पूजा कर्म इत्यादि जो कार्य है वो कर लेने हैं। और दोस्तों जो सप्तमी तिथि है वो 30 अप्रैल को दोपहर में 2:39 तक ही रहेगी। इसके बाद देखिए सप्तमी तिथि समाप्त हो जाएगी और अष्टमी तिथि स्टार्ट हो जाएगी। और इसी समय अवधि में गंगा सप्तमी का आपने पूजन कर लेना है ताकि आपको गंगा सप्तमी के पूजन से होने वाले सभी लाभ जो मिल सके। गंगा सप्तमी से दोस्तों बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान दान और पूजन करने से रिद्धि सिद्धि या सम्मान की प्राप्ति होती है, सभी पापों का क्षय होता है। मान्यता तो ये कहती है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ होता है और विधि विधान से किया गया पूजन अमोघ फल प्रदान करता है। दोस्तों ये थी गंगा सप्तमी से जुड़ी जानकारी।